देखिए, ये अभी गत दिनों एक बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें मेरे द्वारा जलकल विभाग नगर निगम और निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था, जिसमें कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि निगम को पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में मैंने अपनी बात को सदन के अंदर रखा था और मैं बोर्ड में सदन का सदस्य हूँ और मुझे सदन में अपनी बात रखने की लोकतंत्र की तरफ से पूरी आज़ादी है। जब मैंने वो बात वहाँ पर रखी तो कर्मचारियों के बचाव करते हुए नगर आयुक्त महोदय ने मेरे पर लीगल एक्शन की कार्रवाई का वहाँ पर कहा गया कि मैं आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करूँगी। अगर हम अपनी बात को सदन में भी नहीं रख सकते तो हम अपनी बात को लोकतंत्र में कहाँ रखेंगे? अगर मैं अपनी बात, मेरी बात गलत है तो आप मुझे बताएं। मैंने अभी एक वीडियो जारी की है जिसमें एक ठेकेदार जो पिछले 5 वर्षों से जलकल विभाग में सप्लाई का करोड़ों रुपए का काम कर रहा है, वो कैसे एक कर्मचारी को खुश करने के लिए, उसे लाभान्वित करने के लिए बड़े बड़े होटलों में ले जाकर दावत दे रहे हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नगर विकास मंत्री, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और महापौर महोदय को इस संबंध में पत्र भी लिखने जा रहा हूँ कि सदन में जिस प्रकार नगर आयुक्त ने अपनी गरिमा को पार करते हुए मेरे खिलाफ लीगल कार्रवाई का के बारे में कहा है, यह लोकतंत्र की हत्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भी संज्ञान में मैं ये बात ले आया हूँ। उनके द्वारा कहा गया है कि किसी भी तरीके से हमारे पार्टी के पार्षद की बात को नहीं दबने दिया जाएगा। मैं मजबूती से अपनी बात रखूंगा और नगर निगम के भ्रष्टाचार का समय समय पर उजागर करता रहूंगा। ये कौन है एंटरप्राइजेस महादेव वाले जिनको टेंडर लगातार मिलता है, कौन लोग हैं? ये 4 ठेकेदारों का गिरोह है जिसमें एक ठेकेदार बबलू है जिसने अपने एक विकलांग भाई के नाम पर भी एक फर्म बना रखी है और इसकी 2 फर्मों को पिछले 5 वर्षों से लगातार जलकल विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की सप्लाई का काम दिया जा रहा है। जलकल विभाग में कोई कुलतार दिया है जिसका भी भाई ठेकेदार है? देखिए, इस बारे में ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन मैं, मेरा मुद्दा मेन, ये जो कर्मचारियों के द्वारा सिर्फ 3 या 4 ठेकेदारों को ही लाभ दिया जा रहा है, इस संबंध में अन्य ठेकेदार भी हैं, अगर वो आकर टेंडर में भागीदारी करेंगे तो 101% राजस्व को जो हानि हो रही है वो बचेगी और जनता के पैसे का जो लूट खसोट इनके द्वारा की जा रही है वो बचेगी। मेरा हित जनता के हित में है। तो ये इस तरह का एक ही मामला है, एक ही बता रहे हैं ना आप, 4 हैं या और भी इस तरह के मामले? देखिए, मैंने प्रेस विज्ञप्ति में सारी फर्मों का नाम खोल दिया है। अभी हाल फिलहाल में एक ही परिवार के 3 लोगों ने फर्म बनाकर एक ही टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसकी मैंने बोर्ड की बैठक में मुद्दा उठाया था। बेटे के नाम भी फर्म बनी हुई है, माताजी के नाम भी बनी हुई है और पति के नाम भी बनी हुई है। तीनों एक ही टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, अन्य किसी को आने नहीं देते। तो आप सीधा सीधा समझ जाइए, जब एक ही परिवार के 3 लोग, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग किसी टेंडर में भागीदारी करेंगे तो वो सब मिली भगत के अनुसार ही हो रही है। इसमें जल निगम के कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका बर्खास्त होना चाहिए। ये वीडियो जो आज मैंने जारी किया है, आप इसमें स्वयं देख लीजिए किस तरीके से बबलू ठेकेदार निगम के कर्मचारियों को किस प्रकार मनोरंजन कर रहे हैं, किस प्रकार खुश कर रहे हैं, चला के दिखा रहा है। ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो में ये देखिए, ये बबलू ठेकेदार है, ये गुलाबी कमीज में, ये देखिए शराब और इनकी दावतें करी जा रही हैं बड़े महंगे महंगे होटलों में ले जाकर। ये देखिए।